for you all. In today's session, we will discuss about the few technical descriptions of a typical plowing plant. अभी तक हमने plant के different parts के बारे में सुना, root, stem, leaves, inflorescence, इन तमाम चीजों के बारे में हमने इस चैप्टर में जाना। अभी आज हम डिस्कस करेंगे एक प्लांट के बारे में कि कैसे एक प्लांट के फ्लोरल डायग्राम को या फ्लोरल फार्मूला को देखकर हम बता सकते हैं ये कैसा प्लांट किस नेचर का इसकी पोजीशन क्या है। तो यहां पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, जिस सिंबल्स को यूज करके हम प्लांट का फार्मूला बनाते हैं और इसी प्लांट के फार्मूले को देखकर हम किसी प्लांट में उसके फ्लावर की पोजीशन सॉरी पार्ट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। ये एक फ्लोरल डायग्राम है और ये उसका फार्मूला जो हमने इस सिंबल को यूज करके फार्मूले को ड्रॉ किया है। तो पहले देखते हैं व्हाट इज द फ्लोरल, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर मीन्स कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम, ये कितने नंबर में है। सो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ये तो नंबर हो गया। अब उसका अरेंजमेंट कैसा है, इट मीन्स देयर अरेंजमेंट एंड रिलेशन दे हैव विद वन अनदर, वो एक दूसरे के सापेक्ष किस पोजीशन में अरेंज है, ये सब पूरी इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करता है ये फ्लोरल डायग्राम। हमने इसे दिया ये डायग्राम में क्या हमने क्या देखा कि कैलिस अभी बताया गया था, कैलिस ये कैलिस का आउटर पार्ट है, दो कैलिस अंदर है, दो कैलिस बाहर, दो कैलिस को कवर करता है, इज इट क्लियर। सो हियर टू टर्म्स लाइक के इज यूज फॉर द कैलिस, सी इट इज यूज फॉर द कोरोला, पी फॉर पेरियन अगर कैलिस का कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है तो हम उसको पीछे डिस्टिंक्ट करेंगे, पहले को एंड्रोसियम, अगर एंड्रोसियम बारे में सिस्टम होगा तो क्या लिखेंगे या कहीं ए लिखा होगा तो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे दिस इज द ए एंड्रोसियम, जी अगर लिखा होगा इट रिप्रेजेंट द गाइनोसियम, अगर गाइनोसियम के नीचे लाइन खींची तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि गाइनोसियम के पास कौन सी ओवरी है, सुपीरियर ओवरी, गाइनोसियम है द सुपीरियर ओवरी। अगर गाइनोसियम के ऊपर एक लाइन खींची तो ये रिप्रेजेंट करेगा गाइनोसियम है द इंपीरियर, एक गाइनोसियम के पास कौन सी ओवरी है इंपीरियर। अगर एक सर्किल के ऊपर एरो का निशान लगा होगा तो ये प्रेजेंट करेगा कि जो फ्लावर कैसा है मेल्ट होगा, और अगर उस सर्किल के नीचे प्लस का साइन होगा तो रिप्रेजेंट करेगा फ्लावर इज द फीमेल, इट मीन्स दिस इज द स्टैंडर्ड फ्लावर एंड दिस इज द डिस्टिलेट फ्लावर। लेकिन अगर कोई भी फ्लावर हर्मोफ्रोडाइट होगा, बाइसेक्सुअल होगा, तो उसमें हम सर्किल के ऊपर दोनों सिंबल को यूज करते हैं, एक एरो रहेगा दूसरा बॉल प्लस का साइन रहेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा वो फ्लावर कैसा है बाइसेक्सुअल, मीन्स स्टेमेन और पोस्टिल दोनों एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है। अगर
उसके लिए जाइगोमेट्रिक के लिए जो सिंबल होगा वो होगा परसेंटेज का। अगर ब्रैकेट का निशान लगा होगा कि मिस उनके बीच में रिलेशन है वो क्लोज है किसी चीज से, तो यहां जो फ्यूजन होगा पाए हम किसे यूज करते हैं एक ब्रैकेट से कि वो फ्यूज है। अच्छा ये नहीं रहेगा तो मुझे या थ्री लगा हुआ है वो शो करेगा मदर एक्सिस, इट रिप्रेजेंट्स द मदर एक्सिस इन अ फ्लोरल डायग्राम। यहां पर एक टिपिकल डायग्राम ब्रेसिका सरसों के बारे में दिया गया है। आप देखेंगे सबसे ऊपर किसी भी प्लांट सबसे अपर जो सबसे बाहरी पार्ट होता है इट इज कॉल्ड द कैलिक्स। कैलिक्स के बाद आता है कोरोला, कोरोला के बाद आता है एंड्रोसियम और एंड्रोसियम कैबिन के बाद क्या आता है गाइनोसियम। क्लियर? तो हम इसी सीक्वेंस में यूज, अगर कैलिक्स है तो के, नहीं है तो के को छोड़ दो, कोरोला है तो सी, अगर डिफरेंशिएट नहीं है तो पेरियन। तो कैलिक्स कोरोला पेरियन को सिंपल से कहते हैं यहां। तो यहां देखेंगे मदर एक्सिस, दिस इज द मदर एक्सिस। इसके पास कोई ब्रेड नहीं होगा। सबसे ऊपर आप देखेंगे कैलिक्स है जो 2+2 के फॉर्म में दे दीजिए। सबसे पहले ये फ्लावर की सिमेट्री देखता हूं, फिर एक्टिनोमा की सिमेट्री है, रेडियस सिमेट्री शो करता है, तो हमने कैसे सिंबल दे दी दिया प्लस को इग्नोर कर दिया सकते हैं। चूंकि इसके पास एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट है तो हमने क्या दे दिया बाईस। फर्दर कैलिस ये 2+2 के फॉर्म में होते, ये दो कैलिस अंदर होंगे और दो कैलिस ऊपर से इसको कवर किए, दो कैलिस अंदर रहेंगे और दो कैलिस इसको ऊपर से कवर किए। हमने पढ़ा था ट्विस्टेड फॉर्म। फर्दर इस कैलिस के अंदर जो कोरोला होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, वो वेलवेट के फॉर्म में होंगे। यहां पर आप देखते हैं 1, 2, 3 ये फोर, इसके अंदर जो एंड्रोसियम होगा वो 6 होगा, मतलब जो स्टेमेंस होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। 2 कॉर्नर पे होंगे, पेटल से निकले होंगे या कोरोला से घिराए होंगे, तो हमें क्या 1 2 और 4 अंदर के बॉर्डर पे होते हैं, तो यहां 1 2 3 जो ओवरी को कवर किए होते हैं, पिस्टिल को कवर किया। तो हमने लिखा एंड्रोसियम 2+, एंड्रोसियम 2+। अगर इनके सिस्टम की बात करूं पिस्टिल की, तो पिस्टिल या गाइनोसियम के नीचे लाइन खींची है, मतलब कैसा हो रही है गाइनोसियम सुपर कंडीशन में है, ओवरी सुपीरियर होगी और ओवरी के अंदर दो ओवुलेट्स होंगे जो इक्लोज होंगे। सेमीटेक्निकल डिस्क्रिप्शन में हमने एक आर्ट स्टडी की जिसमें फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम हमको इंफॉर्मेशन देता है पार्ट्स के बारे में, उनके अरेंजमेंट के बारे में, एक दूसरे के अकॉर्डिंग कैसा उनका अरेंजमेंट है। कुछ टर्म्स के प्रेजेंट करते हैं कैलिक्स को, सी कोरोला को, पी पेरियंस को, ए एंड्रोसियम को, जी गाइनोसियम को। अगर जी के नीचे लाइन है तो गाइनोसियम इधर सुपीरियर ओवरी, अगर जी के ऊपर लाइन है तो जी प्रेजेंट करेगा कि इंटीरियर ओवरी है। अगर एक सर्किल के ऊपर एक
सीआरटी में नहीं डिस्कस है, वो टर्म है ईबीआर एंड बीआर। ये होगा ई ब्रेक के, आप बस जान लीजिए क्योंकि बुक में नहीं डिस्कस है, लेकिन बता दें ईबीआर ई ब्रेक के, अगर बीआर होगा तो ब्रेक के, मतलब जो थर्मस होता है उसके नीचे लीड बैच होते हैं, अगर होगा तो ब्रेक के, अगर नहीं होगा तो ईबीआर। यहां पर पोलर डायग्राम दिया गया है, सबसे पहले मदर एक्सिस एंड दूसरे की कंडीशन, सॉरी पहले देखते हैं रेडियल सिमेट्री का होगा, तो प्लस का सिग्नल सर्किल के अंदर चुकी है एंड दूसरे को डायग्राम से मोनर की प्लान प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा, दोनों साइड सिंबल होगा एंड दूसरे की संख्या टू प्लस टू के फॉर्म में अरेंज है, दो अपर साइड से दो लोअर अंदर की साइड में, दोनों अपर दो अंदर में कवर किए हुए हैं, तो के टू प्लस टू के फॉर्म में अरेंज है, कोरोला सॉरी कैलिक्स कोरोला वन टू थ्री फोर एंड सम टू प्लस फोर के फॉर्म में, दो बाहर पेटल से अरेंज है और बाकी के चार अंदर हैं, तो ये एंडोसियम टू प्लस फोर के पार्ट में है। गाइनेशियम की बात करो तो गाइनेशियम के अंदर दो ओवल्स हैं, एक दूसरे से अटैच हैं एक्सिस से, तो हमने सोडियम जी सुपीरियर ओवरी नीचे मैंने लाइन खींच दिया, और इसके चूंकि ये फ्यूज फॉर्म में है तो हमने इसके चारों कर दिया एक ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिया। तो जनरल स्ट्रक्चर था हमारा, टेक्निकल डिस्कशन अगर दिक्कत का भी हुआ, अब अगला इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है लिलियसी या सोलेनेसी फैमिली में से किसी एक की स्टडी, तो हम आगे चल के किसी एक की स्टडी करेंगे, पूरे प्लूरल फार्मूला को डिराइव करेंगे, और डिसीजन अबाउट द सोलेनेसी जिसमें आते हैं आलू बैंगन टमाटर मकोई, उसके बारे में हम। थैंक यू क्लास।